इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं फ्रेंड्स कि आप ओप्पो मोबाइल फोन में ड्रॉ वी टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट सेटिंग कैसे ऑन कर सकते हैं, यानी कि कैसे इनेबल कर सकते हैं और इस सेटिंग को इनेबल करने से क्या होता है। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको जाना है अपने ओप्पो मोबाइल फोन के सेटिंग में और उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कन्वीनियंस टूल्स का, तो आप यहाँ पर क्लिक करिए और उसके बाद आपको यहाँ गेस्चर एंड मोशन का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करिए और उसके बाद आपको यहाँ स्क्रीन ऑफ गेस्चर पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपका यहाँ स्क्रीन ऑफ गेस्चर के सामने वाला सेटिंग इनेबल नहीं है तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक करके इस सेटिंग को इनेबल कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपको यहाँ तीसरे नंबर पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ड्रॉ वी टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट का, तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये सेटिंग हो जाएगी इनेबल। सेटिंग इनेबल हो जाने से क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सेटिंग इनेबल हो जाने से ये होगा कि दोस्तों जब आपका मोबाइल का स्क्रीन लॉक रहेगा, जैसे आप देख सकते हैं अभी मैंने अपने मोबाइल के स्क्रीन को लॉक कर दिया है, तो दोस्तों स्क्रीन लॉक रहने पर आप जैसे ही स्क्रीन पर फिंगर से भी ड्रॉ करेंगे, जैसे देखिए मैं यहां पर भी ड्रॉ करता हूं, तो आप जैसे ही भी ड्रॉ करेंगे वैसे ही आपका जो है फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा, यानी कि टॉर्च ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इस सेटिंग को यूज कर सकते हैं इनेबल करके। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।